बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर हाई कोर्ट की जानब से डिफरेंट पोस्ट के जो रिज़ल्ट है उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। अगर आपने लाहौर हाई कोर्ट में डिफरेंट रिट टेस्ट दिया हुआ था पोस्ट के लिए, तो आप जो है वो रिज़ल्ट अब चेक कर सकते हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि रिज़ल्ट जो है वो किस लिंक से चेक होगा, ऑफिशियल जो जॉब पोर्टल है वहाँ तो रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि हमारे नंबर ज़्यादा थे लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। तो मैं ये आपको बता दूं, अभी जो इन्होंने लिस्ट जारी की हैं, इशू की हैं रिज़ल्ट की, वो सिर्फ उन लोगों की है जिन्होंने रिज़ल्ट पास किया है। ठीक है, जिन लोगों ने पास किया है उनके जो है वो लिस्ट में आप नाम चेक कर सकते हैं डाउनलोड करके। अभी किस तरह करना है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। तो लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपके सामने ये डिफरेंट आपको इस वक्त नज़र आ रही हैं, जैसे पर्सनल असिस्टेंट BS 17, स्टेनोग्राफर है BS 17, सुपरवाइज़र IT BS 17 है, असिस्टेंट मैनेजर है BS 17, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, उसके अलावा लाइब्रेरी असिस्टेंट, असिस्टेंट IT, केयर टेकर BS 16, सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन है, उसके अलावा हार्डवेयर टेक्नीशियन है, नेटवर्क टेक्नीशियन है, नेट टेक्निकल एडवाइज़र है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसमें ऑफिस कोऑर्डिनेटर है, मल्टीमीडिया ऑपरेटर है, नेटवर्क एसोसिएट, उसके अलावा सॉफ्टवेयर एसोसिएट, ग्राफिक डिज़ाइनर है, कंपोज़र है, हार्डवेयर एसोसिएट BS 13, उसके अलावा टेलीफोन एसोसिएट, टेलीफोन टेक्नीशियन है, जूनियर ऑडिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक है, कैलीग्राफिस्ट है, उसके अलावा टेक्निकल ऑपरेटर है, कुक है। ये मतलब 27 पोस्ट की जो रिज़ल्ट की जो अनाउंसमेंट इनकी तरफ से कर दी गई है। तो सिंपल चेक कैसे करना है, आपने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने जिस पोस्ट के लिए टेस्ट दिया होगा, सिंपल आपने जैसे डाटा एंट्री है, उसके अलावा ऑफिस कोऑर्डिनेटर है, या जो भी जिसके लिए आपने अप्लाई किया होगा, टेस्ट दिया होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने जैसे ही मैं ऑफिस कोऑर्डिनेटर पर करता हूँ तो ये देखें डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है। तो यहाँ से मैं एक दफ़ा कैंसिल करूँगा, तो यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो जितनी लिस्ट होगी पासिंग स्टूडेंट की, जिन्होंने टेस्ट पास किया होगा, उन सब के जो है वो नेम वहाँ पे शो हो जाएंगे। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ये भी देख रहे हैं आप, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा। सिंपल आप यहाँ से लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नेम चेक कर सकते हैं। आगे फर्दर इनका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगा, इनका जो है वो टेस्ट भी आगे फर्दर होगा, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इनका होता है, उसके अलावा और जो है वो इनकी जो टेस्ट है या और इनकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, अगर आपकी डिग्री हाई है तो उस सब के जो है वो नंबर्स वगैरह काउंट करके ही आपका फाइनल रिज़ल्ट बनेगा। अभी सिर्फ पासिंग मार्क्स जिन लोगों ने टेस्ट पास किया है सिर्फ उनकी लिस्टें जारी की गई हैं।